हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द आरजे ब्लॉग। और आज आपका भाई आ पहुंचा है उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। यहाँ पे मैं आया था बाबा महाकाल के दर्शन करने, और यहीं पे मेरे एक मित्र रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार भाई तू हॉन्टेड लोकेशन विजिट करता है, तो यार यहाँ उज्जैन में भी कुछ टाइम से एक ऐसा शमशान घाट है जहाँ पे कोई हादसे हो रहे, कोई चीज़ दिखाई देती है। तो यार भाई आज नाइट तो यहीं रुक, होल्ड कर और उस लोकेशन को विजिट कर। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये वो माँ शमशान घाट है उज्जैन का, जहाँ पे मोस्ट पॉपुलर गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की अंतिम संस्कार हुआ था। और उसकी मौत आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि यार कैसे, किस वजह से हुई थी। उसकी मौत गैंगवार की वजह से हुई थी, बड़ी बेरहमी से एक चाय की होटल पे। उसकी जो अपोजिट पार्टी थी, मतलब कहे तो एक गैंग, दूसरी जो गैंग थी जिसको ये दुर्लभ कश्यप वाला जो गिरोह था वो पसंद नहीं था। एक रोज वो दोनों साथ में ही कहीं बैठे थे उसी होटल पे, ये जेल से छूट के आया ही था। और वहीं पे वो जो दूसरे गैंग वाले थे वो लोग बैठे थे, इनकी संख्या कम थी। दुर्लभ कश्यप के साथ सिर्फ उसके दो चार दोस्त और ये था, और वहीं पे शायद कोई ऐसी अनबन हुई तो वो जो गैंग थी उसने धड़ाधड़ हमला बोल दिया और चाकुओं से रोदना स्टार्ट कर दिया, और उसकी बड़ी बेरहमी से मौत हुई थी। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार इसी महाशमशान में किया गया था। और कहा जाता है, जैसा कि मेरे मित्र ने बताया, कि आज भी यहाँ पे बहुत से लोगों ने देखा है कि कोई चीज़ है, वाइट वाइट सी शेडो है, कोई परछाई है, स्क्रिप्ट है, या पता नहीं किसकी आत्मा है। जब से उसका अंतिम संस्कार हुआ है यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही है। तो चलते हैं और देखते हैं क्या आज हमारे को भी ऐसा कुछ दिखाई देता है क्या। मेरे पीछे से शमशान घाट स्टार्ट हो चुका था, बहुत दूर तक फैला हुआ है। और यहाँ पे जो वो कपड़े हैं दोस्तों, जो किसी की बॉडी को लेके आते हैं चला तो एक बार इस तरफ कर ले। ये एक शमशान घाट दोस्तों इस तरफ है। और यहाँ पे दोस्तों सही कहूँगा तो यार जैसे पांव रखा ना धड़कने तेज हो रखी है। आज आपका भाई अपनी जान की रिस्क लेके इस जगह पहुंचा है सिर्फ आपके लिए। मैं यहाँ उज्जैन में सिर्फ बाबा महाकाल के दर्शन करने आया था, लेकिन मेरे भाई ने बताया, मेरे मित्र ने, कि यार तेरे को एक बार वहाँ जाके कंफर्म करना चाहिए कि यार वाकई वो चीज़ है या नहीं है। तो इसीलिए मैं पहुँचा हूँ। तो यार भाई इतनी रिस्क ले रहा है आप लोगों के लिए। यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का हौसला बढ़ा दो यार, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से भाई की हिम्मत डबल होती है। और इससे भी भयंकर रिस्क लेके आपका भाई लोकेशन विजिट करवाएगा और आपको वहाँ का सच दिखाएगा। ये कुछ कपड़े बड़े भी कर दो एक बार, इधर भी एक शमशान घाट है आप देख रहे होंगे, जूम करके दिखा क्या चीज़ पड़ी है, शायद कोई अंतिम संस्कार होया हुआ है ताजा। हो सकता है दोस्तों अगर आंखों से नहीं दिखे वो चीज़ कैमरे से दिखे तो यार आप क्लियर करके बताना, ये बहुत सी बार ऐसा ही होता है। और अभी की तरफ बढ़ते हैं, तो कुछ कपड़े यहाँ भी पड़े हैं, ये वही कपड़े हैं शायद दुर्लभ कश्यप वाले। तो चारों तरफ का व्यू आपको नजर आ रहा होगा, भाई आ रहा है कैमरे में? हाँ भाई। तो डर लग रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं मेरे घर से बहुत दूर आ रखा हूँ, और यहाँ पे मैं और मेरा कैमरामैन, मेरा भाई, हम दो के अलावा तीसरा कोई नहीं है। अगर हमें यहाँ पे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, हम हमारी रिस्क पे यहाँ पहुँचे। और कुत्तों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी दोस्तों, इतनी देर बिल्कुल सब शांत था। जैसा कि मेरे फ्रेंड ने कहा था कि जैसे ही कोई यहाँ पे कोई आता है तो उसके साथ अजीब गरीब हरकतें होती है और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो यार बेचैनी बढ़ चुकी है, घबराहट बहुत भयंकर हो चुकी है। शमशान घाट ही शमशान घाट है, ये देख पा रहे होंगे आप दोस्तों। आप ये नहीं कह सकते कि यार भाई कहीं भी चला गया, कुछ भी दिखा दिया, आपका भाई रियलिटी ही दिखाता है। जो जिस चीज़ पे मुझे यकीन है, शायद उस तरफ भी चार पांच शमशान घाट बने हुए हैं। एक बार आप इसी तरफ चलते देखें, इधर भी कपड़े पड़े हैं,
भाई इन सारी चीज़ों को देख के एक मन में अजीब सा डर हो रहा है। सब कहीं तो घूमने तो नहीं है देखो, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है दोस्तों कि यहाँ पे रात में पहुँचे आपका भाई। और असली बात कहूँ तो दोस्तों कि ऐसी जगहों पे रात में तो क्या लोगों की दिन में आने की हालत नहीं होती, लेकिन आपका भाई पहुँच चुका है। अब देखना ये है इस तरफ भी करते देख क्या चीज़ दिखाई देती है, क्या सब कैसे करके दिखा इधर आ गया। अंदर की तरफ भी पहचान कार्ड बने हुए हैं कि लॉक लगा हुआ है। अंदर का व्यू लेके दिखाते भाई एक बार दोस्तों, चारों तरफ बस शमशान घाट ही शमशान घाट है। अब देखिए यार अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुत्तों की बहुत मैं क्या जैसे डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और एक बार यहाँ का पूरा कवर करके वो जगह भी मैं आपको दिखा दूँ कि जहाँ पे दुर्लभ कश्यप का अंतिम संस्कार हुआ था और लोगों को वो शेडो दिखाई दी थी। क्या अभी तक अगर कैमरे में कोई चीज़ रिकॉर्ड हुई हो तो बताना, मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है। ये वो लकड़ियाँ है जो जलाने के बाद में काम में ली जाती है। ये अंदर की तरफ का एक इंसान रहा है, यहाँ पे शायद अभी काम वगैरह भी चल रहा है। चारों तरफ का व्यू ले रहे, चारों तरफ बस शमशान ही शमशान है। और ये वो शमशान रहा है दोस्तों जहाँ पे दुर्लभ कश्यप को जलाया गया था। एक बार व्यू करके दिखा दो, ऊपर चल के देखता जो उसको हिम्मत तो नहीं हो रही यार, देखो कुछ भी हो सकता है। और ये रिस्क ले रहा हूँ मैं सिर्फ आपके लिए और मेरी प्यारी ऑडियंस के लिए कि यार यहाँ का जो सच है वो आप लोगों को पता पड़े। पूरे रोम रोम उठ रखे हैं, देख सकते हो क्या हालत हो रखी है भाई की। अगर आस पास की अगर कोई लोकेशन होना मेरे अजमेर में कहीं थी तो ज़्यादा डर नहीं होता भाई। यार ऊपर मत जाओ भाई, डर लग रहा है यार भाई। क्या हो गया भाई? ऊपर मत जाओ भाई, डर लग रहा है यार। मुझे भी लग रहा है यार दोस्तों, लेकिन इन चीज़ों को देख के ज़्यादा डर लग रहा है। एक बार आ गया ऊपर कर कैमरा लेता है। ये कुछ कपड़े यहाँ भी पड़े हैं और शायद वैसे पेड़ जैसे दुख रहा है यार भाई। नीचे आ जाओ भाई, यार डर लग रहा है यार भाई यहाँ पे। दोस्तों यार आप कह नहीं सकते भाई, इधर आप कह नहीं सकते कि भाई किसी फेक जगह पे आया। ये आपका कभी भी उज्जैन आना हो तो यार ये एक जगह है, किसी से पूछ लेना कि दुर्लभ कश्यप का अंतिम संस्कार कहाँ पे हुआ था और कहाँ पे नहीं हुआ। तो भाई वो क्या भाई? हाँ भाई भाई सामने भाई 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 भाई